प्रदेश में सरकार की लाख कोशिशों के बाद भी कानून व्यवस्था सुधरने का नाम नहीं ले रही है। ताजा मामला कानपुर के निजी नर्सिंग होम का है, जहां मरीज की मौत के बाद परिजनों ने आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। इस दौरान नाराज परिजनों ने नर्सिंग होम में रिसेप्शन काउंटर पर रखे कंप्यूटर तोड़ डाले। परिजनों का आरोप है कि मरीज को भर्ती करने से 3 दिन पहले का डेथ सर्टिफिकेट बनाकर दिया गया, जिससे नर्सिंग होम की पूरी लापरवाही नजर आ रही है। परिजनों ने बताया कि गोविंद नगर में स्थित रीजेंस अस्पताल में 31 अक्टूबर को यूनियन बैंक की परमठ शाखा में कार्यरत 35 साल के प्रेमचंद शुक्ला को भर्ती कराया गया था। प्रेमचंद को पिछले कई दिनों से बुखार था। अस्पताल में डॉक्टरों ने डेंगू की पुष्टि करते हुए 40 यूनिट ब्लड जमा कराया था। पिछले 3 दिनों से डॉक्टर मरीज से किसी को मिलने नहीं दे रहे थे। सुबह डॉक्टरों ने मरीज को मृत घोषित कर दिया, साथ ही उन्हें 27 अक्टूबर का डेथ सर्टिफिकेट थमा दिया। भर्ती तिथि से पहले की मृत्यु की पर्ची थमाए जाने से परिजन भड़क उठे। वहीं परिजनों ने अस्पताल पर 1 दिन में 2 लाख का बिल बढ़ाए जाने का भी आरोप लगाया। और हमारे साथी प्रेमचंद शुक्ला, जो कि परमठ ब्रांच में कार्यरत हैं एज अ कैशियर, उनको कहते हैं 31/10 को यहाँ रिजेंसी में डेंगू के इलाज के लिए भर्ती कराया गया था हम लोगों ने, जिसकी कहते हैं इन्होंने इलाज तो किया नहीं और आज कहते हैं मृत घोषित कर दिया, जिसका सर्टिफिकेट हमको इन्होंने 27/10/2019 का दिया। एक व्यक्ति जो कि आज मृत घोषित कर रहे हैं उसका सर्टिफिकेट दे रहे हैं 27/10/2019 का, ये कैसे संभव है? और इन्होंने ना ही हमारे किसी कर्मचारी को ना ही उनके परिवार के जनों को आईसीयू में जाके मिलने दिया। अगर कोई व्यक्ति जाने भी चाहता था तो मुश्किल से 1 मिनट अंदर जाए और बाहर तुरंत धक्का के बाहर निकाल लिया करते थे। आज ये हुआ कि सुबह इन्होंने कहते 3:40 पर मृत घोषित किया, तो परिवार के जनों ने कहा कि भाई जो पैसा बनता है लो, और हमारे कहते परिवार के सदस्य जो मृत हो गया है उसकी हमको डेड बॉडी दे दी है। लेकिन इन्होंने कहते हैं पैसा ना लिया और कहा कि हमको 6.5 लाख रुपया चाहिए। मामला ये घटना हुआ कि अच्छा खासा मरीज है, हमारे यूनियन बैंक का बीजे का कर्मचारी है, वो परमठ ब्रांच में जो है कैशियर है, उसको एक जो है दिक्कत हुई थोड़ी सी, तो यहाँ बताया डेंगू वाली इलाज का वो करते रहे, उसके अलावा जो उसको डेथ का मतलब जो घोषित कर दिया, पार्टी भी नहीं दे रहे और जबरदस्ती का पैसा वसूली कर रहे हैं, जो कि हम चाहते हैं कि यहाँ से कम टीपीए तो खुद ही जाना चाहिए रीजेंसी हॉस्पिटल से, क्योंकि यूनियन बैंक का कर्मचारी का शोषण हो रहा है यहाँ पर और जबरदस्त पैसा वसूली हो रहा है। कितने रुपए बिल बनाया गया था? कितने रुपए बनाया था? 5 लाख कुछ का, जबकि 1 लाख नहीं, और फिर उसके बाद बिल बनाया थोड़ी देर बाद 6,35 का, और फिर बाद में जो है वो इनको, जबकि हमारे टीपीए से इनको 3 लाख मिल चुका, 1 लाख दे चुका था, जबरदस्ती वसूली करने का प्रयास कर रहे हैं, ये हमेशा ऐसा करते रहे। भले ही योगी सरकार प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करने के लाख दावे करती हो, लेकिन इसके बावजूद स्वास्थ्य महकमा सुधरने का नाम नहीं ले रहा है और सरकार के दावों को पलीता लगा रहे हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए कानपुर से अमरीश त्रिपाठी की रिपोर्ट।